नमस्कार, इंडिया न्यूज के इन खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशीष राजेंद्र कुमार। जी हां, दंगल फिल्म आपको याद होगी और फिल्म में गीता फोगाट का जिन्होंने किरदार निभाया था, जारा वसीम, 18 साल की वो छोटी सी एक्ट्रेस, उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया है जिससे पूरे बॉलीवुड में सनसनी फैल गई है। बता दें आपको, जारा वसीम ने बॉलीवुड से नाता तोड़ दिया है। ये फैसला उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए अपने इमोशनल पोस्ट के जरिए शेयर किया है और उसमें बताया है कि पिछले 5 सालों से उन्होंने जो फैसला लिया था बॉलीवुड में कदम रखने का, उससे उनकी पूरी जिंदगी बदल गई। हालांकि पिछले जो 5 साल उनकी लाइफ के रहे थे, उसमें उनका जो जीवन था वो काफ़ी उतार चढ़ाव भरा रहा, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी दिक्कतें और परेशानी झेलनी पड़ी। इस पोस्ट में उन्होंने ये भी बताया कि इस वजह से वो काफ़ी परेशान है और वो अपनी मर्जी से और पूरे सोच विचार के साथ ये फैसला ले रहे हैं कि अब वो हिंदी फिल्म सिनेमा जगत में नजर नहीं आएंगी। आपको बता दें कि फिल्म दंगल से जारा वसीम ने बॉलीवुड में डेब्यू किया था और इस फिल्म के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड भी मिला था। इसके बाद में उनकी आखिरी फिल्म जो अभी आने वाली है हाल ही में, वो बॉलीवुड सुपरस्टार एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा के साथ होगी, द स्काई स्पिंग, जो कि उनके करियर की आखिरी फिल्म बताई जा रही है। इसके बाद आमिर खान के साथ उनकी एक और फिल्म थी सीक्रेट सुपरस्टार, वो भी बॉलीवुड में काफ़ी अच्छी चली थी, अच्छी खासी कमाई की थी फिल्म में बॉक्स ऑफिस पर। लेकिन ये जो फैसला लिया है जारा वसीम ने, इससे सबको हैरान करके रख दिया है। बताया जा रहा है कि जारा वसीम ने, हालांकि इसकी अब तक कोई ऑफिशियल पुष्टि नहीं हुई है कि ये फैसला उन्होंने क्यों लिया है, लेकिन अपने पोस्ट में जिस तरीके से उन्होंने बताया कि वो अल्लाह के मार्ग से भटक गई थी, वो अपने धर्म से अलग हो गई थी, इन सब चीज़ों को उन्होंने अपने इस पोस्ट में जिक्र किया है और बताया है कि अब वो बॉलीवुड से अलग हैं और वो अपना जो फिल्मी सफ़र है उसको यहीं विराम देती हैं। जारा वसीम का जो फैसला है आखिर किस दबाव में आके आया है या फिर उनकी मर्जी से है, इसकी अभी कोई पुष्टि नहीं हुई है, ना ही इसकी अभी कोई सूचना सुनने में या देखने में या आई है कोई सामने। जारा वसीम से जुड़ी जो भी अपडेट आती रहेंगी वो हम आपको देते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि जारा वसीम का ये फैसला सही था या नहीं। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़ इन खबर।